हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरसा ब्लॉग। फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग। आपने बीच में कुछ वीडियोस देखी होगी और बीच बीच में मेरे अनबॉक्सिंग भी आती रहती है। तो आज हम लोग क्या अनबॉक्स करेंगे लड्डू? हाँ, मिनी फ्रिज। फ्रिज फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नागपुर शिफ्ट हुए हैं टेम्प्ररी, तो यहाँ पे हम जिस रूम पे रह रहे हैं वहाँ पे स्पेस भी कम है और हमें यहाँ से थोड़ा मूव होना पड़ता है। तो हमें फ्रिज की ज़रूरत तो थी, बट हम अगर बड़ा फ्रिज ला के रखते तो हम उसको मूव नहीं कर पाते, क्योंकि हम ऐसा एक फ्रिज चाहते थे जो कार से मूव हो जाए और कभी भी हम जैसे रूम शिफ्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ों के लिए हमें हेल्प हो। तो इसलिए हमने एक मिनी फ्रिज लेने का डिसीजन किया, क्योंकि कुछ कुछ हमको खाने का सामान रखना ही पड़ता है तो उसके लिए फ्रिज ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने आज ये मंगाया हुआ है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको भी इसके सारे फीचर्स दिखाते हैं, है ना लड्डू? हटो। फ्रेंड्स, और ये क्रोमा का 45 लीटर का फ्रिज है। इसकी 45 लीटर कैपेसिटी है जिसपे आप नॉर्मल सामान रख सकते हैं, जैसे आपको दूध वगैरह रखना है या खाने का थोड़ा मोड़ा कुछ बच गया वो रखना है, आपको कुछ मिठाई वगैरह रखना है, दही रखना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर आप घर में भी रहते हैं, घर में अगर आपका रूम और किचन दूर है, अगर आपको कुछ ऐसा यूज़ होता है तो उसके लिए भी आप ये परचेस कर सकते हैं अपने रूम पे रखने के लिए। फोटो। फ्रेंड्स, देखता हूँ इसको मैं अकेले निकाल पाता हूँ कि नहीं। इसके लिए मुझे वर्षा की हेल्प लगेगी जो शूट कर रही है। मैं इसको निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हमारा ये फ्रिज ओपन हो गया है और देखिए यहाँ पे पॉलीथीन लगी है, तो इसको थोड़ी देर रहने देता हूँ ताकि थोड़ा सा नया वाला फील हो। और मैं इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। कहाँ से खुलेगा लड्डू ये? यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए एक छोटा सा मिनी फ्रीजर दिया हुआ है। ये थोड़ा सा ओपन टाइप का फ्रीजर है, देखिए पीछे ओपन है, तो उतना ज़्यादा तो ये मतलब चिल्ड नहीं करेगा आई थिंक, बट आपका नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत आपको आइसक्रीम वगैरह रखना है तो उसके लिए भी काम आएगा। और ये वाला जो शेल्फ है आप देख सकते हैं, ये इसमें पूरा पीछे तक ही स्पेस है, तो मतलब इसमें आप काफ़ी सारे सामान रख सकते हैं। और इसमें हाफ स्पेस है क्योंकि पीछे कंप्रेसर वगैरह ने थोड़ा सा स्पेस ले लिया है। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये मैनुअल दिया हुआ है और ये एक छोटा सा ट्रे दिया हुआ है। ये कहाँ पे लगता है पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे, इसको मैं साइड में रखता हूँ। और फ्रेंड, ये आइस ट्रे भी दिया हुआ है जिसमें आप आइस क्यूब जमा सकते हैं, इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्पेस दिया हुआ है जहाँ पर आप बड़ा बॉटल रख सकते हैं, 2 लीटर का जो आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह का होता है वो। यहाँ पर छोटे बॉटल्स रख सकते हैं आप, और यहाँ पर दूध के भी जो छोटे पैकेट होते हैं वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। तो नॉर्मल आपको होम यूज़ के लिए ये काफ़ी सफिशिएंट है स्पेस, क्योंकि हमें रूम में भी बच्चों के दूध वगैरह रखने हैं या उनके कुछ खाने के सामान रखने हैं उसके लिए ये फिर यूज़ होता है। तो इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं। फ्रेंड, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखिए इसका जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, और एक छोटा सा लाइट भी दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अरुषा घुस जाएगी क्या इसमें? हाँ। चलो जाओ उधर, पीछे जाओ, उसमें नहीं घुसो, अंदर वहाँ पे जाके खड़े हो, पीछे हटो, लगाने दो। मैं इसका बैक साइड दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बैक साइड दिया हुआ है जिसमें ये एक्चुअली इसमें ये ओपन है, जो आजकल पूरा क्लोज वाला फ्रिज आता है वैसा नहीं है ये। तो इसमें जो रैट के लिए जो इसमें नेट दिया हुआ है, इससे जो बड़े रैट है इसमें नहीं घुसेंगे और आपके अंदर कुछ भी डैमेज नहीं करेंगे, बट कंप्रेसर को मतलब कूल करने के लिए यहाँ पे ओपन स्पेस दिया हुआ है। ये इसकी वायरिंग है और इसमें नॉर्मल 3 पिन है, आपको 16 एम्पियर वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको रूम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको फिट करते हैं और फिर देखते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए इसको मैंने जो नॉर्मल प्लग है उसमें फिट कर दिया है, अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये को खोल के देखते हैं, और ये देखिए जैसे कि इसके अंदर लाइट जल रहा है, तो ये स्टार्ट हो चुका है और अभी ये ठंडा नहीं है। मैं थोड़ी देर में चेक करके दिखाता हूँ कि ये ठंडा हुआ कि नहीं। देखिए ये फ्रिज मेरा इंस्टॉल हो गया और स्टार्ट हो गया है, और ये इतना छोटा है कि मैं बैठ के शूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। फ्रेंड, ये क्रोमा का 2-स्टार 45 लीटर का रेफ्रिजरेटर है, और इसका आप देख सकते हैं एनर्जी कंजप्शन, ये सारी चीज़ें दी हुई है। 173 यूनिट पर ईयर इसका एनर्जी कंजप्शन दिया हुआ है, 45 लीटर डायरेक्ट कूल क्रोमा, और लेवल भी रेड है इसका, 1 जनवरी 2023 टू 31 दिसंबर 2024। बेसिक फीचर है इसमें, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, तो जैसे ही ठंडा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड, तो मैंने इसको स्टार्ट कर लिया है और मैंने इसमें कुछ सामान भी भर दिए हैं, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या सामान है, और जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसमें क्या क्या रख सकते हैं।
तो ये देखिए फ्रिज की मैंने शुरुआत कर दी है, और यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर रखे हुए हैं, दो लेमन हैं, ये पत्ता गोभी है, और कुछ मिर्च है, और ये कुछ बैंगन है मेरे, खीरे हैं, और पीछे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने दो दही का पैकेट रखा हुआ है, एक काजू कतली है, पीछे दो पनीर के पैकेट हैं। तो फ्रेंड इतने आपके मतलब एसेंशियल डेली नीड्स के पूरे सामान आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये मैंने जो मतलब आइस क्यूब वाला जो ट्रे है इसमें भी मैंने रख दिया है, और ये पानी अभी जमा हुआ नहीं है लेकिन काफ़ी ठंडा हो गया है, मैं इसको मॉर्निंग में चेक करता हूँ कि ये कितना जमता है, और ये काफ़ी ठंडा होना शुरू हो गया है, दही भी काफ़ी ठंडा हो गया है। तो रेगुलर यूज़ के हिसाब से आप अपने छोटे मोटे काफ़ी सारे सामान इसमें रख सकते हैं। फ्रेंड्स तो ये तो हो गया स्पेस और फीचर्स की बात, अब रहा सवाल प्राइस का। तो इसका प्राइस है, जिस प्राइस में मैंने ऑर्डर किया है वो है 9,500, 9,500 का है ये। ऑफ कोर्स आपको प्राइस थोड़ा सा महंगा लग रहा होगा, लेकिन ये जो इस साइज में जो मिनी फ्रिज है वो काफ़ी कम कंपनी का अवेलेबल है, जैसे ब्लू स्टार में अवेलेबल है, बीपीएल का है, हायर का है, और ये क्रोमा का, मुझे अभी तक चार ही दिखा, और कुछ और दो तीन कंपनी दिख रही थी जिसका नाम मैं नहीं जानता। तो बहुत कम कंपनियां ये मिनी फ्रिज बनाती है, जिसमें से मैंने क्रोमा सेलेक्ट किया। और अगर आपको अपने घर के हिसाब से लेना है तो आप 90 लीटर या 100 लीटर के आसपास भी ले सकते हैं, वो भी आपको 11,000 के आसपास में मिल जाएगा, प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट मुझे छोटा साइज़ चाहिए था क्योंकि मैं इसको कार के साथ मैं ट्रेवल कर सकूँ और इजिली मैं मूव कर सकूँ, इसलिए मैंने ये 45 लीटर का चूज़ किया। तो आई होप आपको जो मैंने दिखाया और जो मैंने अनबॉक्सिंग की वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी और भी वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय।